अगर आप SN1 रिएक्शन को जानते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि SN2 रिएक्शन जो है वो ज़्यादा आपको परेशान करने वाली है। तो आज हम लोग SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शन को हम द्विक अणुक या द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, और या बेटा इसको और एक नाम से जानते हैं, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं, SN2। SN2 रिएक्शन भी कहते हैं। बाई मॉलिकुलर का मतलब होता है दो अणुओं के द्वारा या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो अणुओं के द्वारा होने वाली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में से सबसे पहली चीज है, सबसे पहली बात आती है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं। बेटा देखने से ही पता चलता है रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं, दो अणु भाग लेते हैं। तो मैं सबसे पहला इसमें से लिखूंगा, क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, या कोई ऐसा भी कह सकता है भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या। तो हमने कौन से अणु लिए हैं, अभिकारक के अणु, अभिकारक अणुओं, अणुओं या अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या दो होती है। पहली चीज तो मुझे ये पता चलता है कि SN2 रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या दो होती है। अगर मैं ध्यान दूं तो SN1 रिएक्शन में, उसमें भी अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी होती थी, दो ही होती थी। सेकेंड नंबर में बात करता हूं, SN1 रिएक्शन को हम लोगों ने इस बात को अच्छा ये भी देख ले रहे हैं कि जो दो अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं वे अभिकारक अणु कौन कौन से हैं। तो इनमें से पहला अभिकारक अणु, पहला अभिकारक अणु क्रियाधार, या जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्रियाधार, जबकि दूसरा अभिकारक अणु, दूसरा अभिकारक अणु नाभिक इसने ही अभिकर्मक होता है। जबकि दूसरा जो अभिकारक अणु होता है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक अणुओं ने हिस्सा लिया है तो पहला अभिकारक अणु कौन सा होता है, उसमें से पूछे तो बताओ पहला अभिकारक अणु क्रियाधार या सबस्ट्रेट कहलाता है। जबकि अच्छा सबस्ट्रेट या क्रियाधार कौन सा अणु होता है, जिस पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होनी है, जिस कंपाउंड पर यह अभिक्रिया होनी होगी SN2 रिएक्शन, उसको बोलते हैं क्रियाधार या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा उसको बोलते हैं, हम कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अच्छा नाभिक स्नेही अभिकर्मक को आपको याद होगा हम लोग ने इसको NU माइनस चार्ज से लिखा था, क्योंकि नाभिक स्नेही कह रहा था, ये ध्यान रखने वाली भी, नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर निगेटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा चार्ज जस्ट अपोजिट होता है। इसको ऐसे मैंने मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि नाभिक स्नेही को ऐसे समझ सकते हैं, इसको क्यों नाभिक स्नेही कहा गया, नाभिक में कैसा चार्ज होता है, तो
पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से स्नेह करता है या नाभिक से स्नेह करता है, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, अर्थात ये हमेशा न्यूक्लियस को चाहता है, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया नाभिक स्नेही। अभी ध्यान देने वाली बात है, नाभिक स्नेही हो गया। अब हम इस पर एक रिएक्शन को करके भी देखते हैं, आखिर ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, जिसे हम SN2 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखो क्या है, हमने एक अभिकारक अणु ले रखा है जिसका नाम है बेटा R सिंगल बॉन्ड CL, या ऐसा कर लेते हैं पहली बार में R सिंगल बॉन्ड क्या लिख कर लेते हैं X, और इसकी अभिक्रिया किससे होनी है, तो भैया इसकी अभिक्रिया होनी है OH- से। अब OH- से अभिक्रिया होगी, ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसको देखो, इसको समझना है कि इसकी अभिक्रिया को हम कैसे हिस्सा लेते हैं। तो अभिक्रिया में होता क्या है, एक साथ ही दो वर्क होते हैं। अभी क्या है, R का X के साथ सिंगल बॉन्ड बना था, लेकिन R का कोई भी बॉन्ड OH- के साथ नहीं बना था। अगर किसी व्यक्ति को OH- चार्ज से कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम इसकी जगह पर बेटा हटा के लिख देते हैं न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि OH भी एक न्यूक्लियोफाइल है, मैंने OH लिख रखा था। तो अभी क्या कराएंगे, अभी क्योंकि जनरल रिएक्शन है, अभी न्यूक्लियोफाइल ही लिखते हैं, फिर इसके बाद जरूरत पड़ेगी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे, या तो CN- चार्ज को ले लेंगे या OH- चार्ज को। अब होता है क्या है कि जैसे ही हम दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, R अपना जो बॉन्ड X के साथ बना है उस बॉन्ड को धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट करता है। अभी ध्यान रखना, डैश डैश लाइन का मतलब यह नहीं कि R और X के बीच बना बॉन्ड टूट गया है, यहां से बॉन्ड लगातार कैसा होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, टूटने वाला है। और जितना बेटा यहां से बॉन्ड कमजोर होकर टूटने वाला है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड से अटैक करते हुए, पीछे की साइड से अटैक करते हुए, तो भैया न्यूक्लियोफाइल अगर पीछे की साइड से अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड इस पर क्या कर रहा है, बना भी रहा है। इसका मतलब इस समय दो प्रक्रम एक साथ हो रहे हैं। दो प्रक्रम कौन कौन से एक साथ हो रहे हैं, एक तो R का X से बॉन्ड का कमजोर होते हुए अलग होना, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल का R के साथ लगातार क्या होना, जुड़ना। ये एक वर्क दोनों एक साथ हो रहे हैं। इस विशेष प्रकार के पदार्थ को या इस विशेष प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं यौगिक की संक्रमण स्थिति, यौगिक की संक्रमण स्थिति। अच्छा, ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक भाग जो है कंपाउंड को अपने बॉन्ड को वीक करते हुए, कमजोर करते हुए तोड़ना चाहता है, और दूसरा भाग उस पर क्या होना चाहता है, जुड़ना चाहता है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है और आनी भी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, आखिर न्यूक्लियोफाइल को ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि ये X की ओर से आगे की ओर क्यों नहीं गया, क्योंकि बेटा आप सभी जानते हो R X पर X कौन सा ग्रुप हो सकता है, हेलोजन ग्रुप, और हेलोजन ग्रुप पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। अगर ये X की ओर से अटैक भी करता न्यूक्लियोफाइल, तो ध्यान देने वाली बात है X पर भी तो माइनस चार्ज होता, ये न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता, दूर कर देता, प्रतिकर्षित कर देता, और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से जुड़ने वाला नहीं था। तो SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल का जुड़ाव है वो हमेशा कहां से होना है, जिस ओर आपका क्या लगा हुआ है X ग्रुप, उसके जस्ट कौन सी दिशा से, विपरीत दिशा से। आपको याद होगा, अगर मैं ये बात एक याद दिलाऊं, SN1 रिएक्शन में आपने कहा था कि इस बार जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, लेफ्ट की ओर से भी हो सकता है, राइट की ओर से भी हो सकता है। अगर मैं उसी चीज को और थोड़ा सा ध्यान दूं, तो मैं कह रहा था क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों ओर से हो सकता है, डी कंपाउंड भी बन सकता है और एल कंपाउंड भी बन सकता है। अच्छा, सोचने वाली बात है, क्या इसमें अटैक दोनों ओर से न्यूक्लियोफाइल कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वो संक्रमण की जो स्थिति बन के आ गई उसके कारण, भैया मैं क्या देख रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा X ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। हाँ, थोड़ा सा इसको भी ऐसे कर लेते हैं, R और X का जब बॉन्ड टूट रहा होगा तो X पर आ रहा होगा आंशिक रूप से कैसा आवेश, ऋणावेश, और R पर आ रहा होगा आंशिक रूप से धनावेश। वैसे ही NU पर भी आता होगा आंशिक रूप से ऋणावेश, और R पर आता होगा आंशिक रूप से धनावेश। हालांकि मैंने दो बार लिख दिया है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं।
अब एक और चीज समझना, जितना ही ये बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा उतना ही ज्यादा ऋण चार्ज या ऋण आवेश इस पर आता रहेगा, और जितना ही ये न्यूक्लियोफाइल आर से भाई जितना ये बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश करेगा उतना ही ये अपने बॉन्ड को क्या बनाने की कोशिश करेगा, स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा। और अगर ये स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा ऐसी सिचुएशन पर बेटा इसका ऋण आवेश उतना ही क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। फिर इसके बाद एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी, कौन सी विशेष स्थिति आएगी कि जो बेटा एक्स है ये अपने बॉन्ड को तोड़कर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आर के साथ, और जो एक्स है वो निगेटिव चार्ज को लेते हुए यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बिल्कुल इस जगह से। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में हिस्सा लेगा। अभी ध्यान क्या देते हैं, अब अभिक्रिया एक ही स्टेप में हो रही है। अब आप कोई व्यक्ति कहेगा सर ये पहला स्टेप यहां से यहां हुआ फिर यहां से यहां हुआ, तो बेटा ये स्टेप नहीं था, कंपाउंड एक सेकंड के लिए इस पोजीशन पे आया। मैंने कहा दोनों काम एक साथ हो रहे थे, बॉन्ड बन भी रहा था बॉन्ड टूट भी रहा था, तो जब दोनों काम एक साथ हो रहे थे तो बेटा ये स्टेप नहीं है, ये उस अभिक्रिया के दौरान आई हुई एक केवल स्थिति है जो अनस्टेबल स्थिति है, टिकाऊ स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है क्या ये स्थिति टिकाऊ होती है, तो हम बोलते हैं कि नहीं भैया ये स्थिति टिकाऊ नहीं है, बल्कि कैसी स्थिति है, अस्थायी। इसका मतलब ये पूरी रिएक्शन जो लिखी है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और जो अभिक्रिया सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है सरल अभिक्रिया कही जाती है। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, देखो इसमें से अगर अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूरी होती तो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद वो पद होता है जो धीमी गति से होता है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही पद में कंप्लीट हुई है, एक ही बार में कंप्लीट हुई है भैया, यही वाला पद कैसा है, वेग निर्धारक पद है। तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि अभिक्रिया एक पद में पूरी हुई है। अब देखो कोई बच्चा कभी कभी यहां से अपने आप में कंफ्यूजन बना लेता है, रिएक्शन है SN2 कितने पदों में पूरी होती है, एक। पिछली क्लास में रिएक्शन कौन थी, SN1 कितने पदों में पूरी होती थी, दो पदों में पूरी होती थी। अब क्या है, बच्चे ने अपने मन से दिमाग बना लिया यार SN2 रिएक्शन थी क्या दो पदों में होनी चाहिए थी, नहीं भैया SN2 जो रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप में पूरी होती है। तो एक बात यहां पर लिखेंगे, जो SN2 रिएक्शन है अभिक्रिया केवल कितने पदों में पूरी होती है, एक पद में पूरी होती है, में पूरी होती है, या कुछ लोग ऐसे ही बोल सकते हो बेटा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पद में पूरी होती है, सिंगल स्टेप में पूरी हो गई भैया। अभी नेक्स्ट नंबर पे क्या रखेंगे, बेटा अगर ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन पूरी हो रही तो अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल इसी पद पर डिपेंड करेगा। अगर एक से अधिक पदों में होती थी अभिक्रिया तो हम ढूंढते थे स्लो स्टेप, लेकिन क्योंकि एक ही पद में अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है भैया, तो एक काम हम लोग इस बात को जानते हैं देख के कि अभिक्रिया का वेग फिर इसी पद पर डिपेंड करेगा। और बेटा अगर अभिक्रिया का वेग इसी पद पर डिपेंड करेगा तो ध्यान देने वाली बात है इस पद में कितने अभिकारक पदार्थ हैं, दो। अगर इस पद में दो अभिकारक पदार्थ हैं इसका मतलब अभिक्रिया का वेग पहले पदार्थ पर भी निर्भर करता है और दूसरे पदार्थ की भी सांद्रता पर निर्भर करता है। तो हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, कौन से अभिक्रिया का वेग, SN2 रिएक्शन का वेग, अभिक्रिया का वेग दोनों पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अच्छा एक और चीज है, अगर अभिक्रिया का वेग दोनों पदार्थों की सांद्रताओं पर डिपेंड करता है तो हम इसका वेग नियम कैसे लिख सकते हैं, वेग आर प्रोपोर्शनल टू, दोनों पदार्थों की सांद्रताओं पर डिपेंड करता है ना, तो हम दोनों पदार्थों की सांद्रताएं लिखेंगे आर एक्स और एन यू, न्यूक्लियोफिलिक को भी लिखेंगे वहां एन यू, और दोनों की सांद्रताओं पर क्योंकि अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है तो एक और इसी में से लाइन लिखी जा सकती है, या मैं यही लिख देता हूं क्योंकि हमें पता है अभिक्रिया के वेग अभिकारक दोनों अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। तो बेटा अगर इस पर कोई पावर नहीं लिखेगी, पावर कितनी बताओगे, एक। यहां पर भी कोई पावर नहीं लिखी, पावर कितनी हो गई, एक। अर्थात अभिक्रिया की जो कोटि है
बेटा अभिक्रिया की कोटि कितनी मानी जाएगी? दो। अभिक्रिया का ऑर्डर दो है, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना, लोगों का क्या बेटा, सब लोगों का नहीं, कुछ विशेष साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जब अभिक्रिया एक ही पद में हो रही हो तो उस एक पद में होने वाली अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को देख लीजिए, वन वन, वही अभिक्रिया की क्या है, कोटि। अच्छा, अभिक्रिया की कोटि में से मत तब बदल जाता है जब अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूरी होती है, तो कोटि कैसे निकालें? तो फिर हम कौन सा स्टेप देखने वाले होते हैं, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे होंगे वही अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, कोटि, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है, चाहे उसको स्लो स्टेप मान लो या उसको फास्ट स्टेप मान लो, केवल वही स्टेप है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी है, दो, क्योंकि दो अभिकारक अणुओं ने इसमें से क्या लिया है, हिस्सा लिया है। अब एक काम करते हैं बेटा, इस पर एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन को हम लोग करवा के देखते हैं, कैसा एक रिएक्शन को इसमें सॉल्व कराएंगे। हमने आर की जगह पर बेटा किसको ले रखा है, सी एस थ्री को, तो बेटा आर की जगह पर अगर सी एस थ्री को ले तो सी एस थ्री का मतलब देखो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एच एच एच, और बेटा यहां क्या लगा हुआ है, एक्स। अब कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्सटेंस ले ले, ओ एच माइनस चार्ज। अगर इस कंपाउंड को लेंगे, ध्यान देने वाली बात है, मैं आपसे पूछता हूं क्या ओ एच यहां आगे से अटैक करेगा, नहीं। अच्छा, क्यों अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सी और एक्स में अगर दोनों में इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी देखी जाए तो एक्स की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कैसी होती है, ज्यादा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से किसकी ओर खिसक जाते हैं, एक्स की ओर, और क्योंकि बॉन्ड में से एक्स की ओर खिसके होते हैं, एक्स पर कैसा आवेश आने लगता है, ऋण आवेश, और सी पर कैसा आने लगता है, धनावेश। तो सी तो ओ एच माइनस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक्स ऋण आवेश होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण, एक्स जो होता है वो उस न्यूक्लियोफाइल को अपने पास आने नहीं देता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और जब बैक साइड से अटैक करेगा, ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसको देखो, देखते हैं, अगर बैक साइड से अटैक करता है सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, ध्यान देने वाली बात है बेटा, अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां पर जुड़ेगा जाके ओ एच, और बेटा अलग कौन हो जाएगा, एक्स। अब इस अभिक्रिया में ध्यान देने वाली बात है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा कैसा ध्यान दें कि बेटा देखो, अब कहोगे सर ये वाला एच क्यों हटा दिया, बेटा जब ये बैक साइड से आएगा तो ये एच को क्या कर देगा, रिपल्सन देगा, या इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण लगाएगा और एच को दूसरी ओर भेज देगा। अब ध्यान देने वाली बात है, जो पोर्शन इसका अभी लेफ्ट पे था, अब ध्यान से देखा जाए वो पोर्शन अब इसके कहां पर पहुंच गया है, राइट पर पहुंच गया है। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, किसी भी कंपाउंड को जब हम लेंगे और उस पर द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात SN2 रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे, तो मैं एक बात अपने दिमाग में अभी से रख लेता हूं कि कंपाउंड का लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, राइट पे, और दूसरे शब्दों में देखो राइट वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में, कहोगे राइट वाला पार्ट क्यों लेफ्ट में चला जाता है, ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, एक्स पर निगेटिव चार्ज था ना, ये कंपाउंड के किस पार्ट पे था, राइट पे, अब निगेटिव चार्ज वाला पार्ट कहाँ गया है, कंपाउंड के लेफ्ट पे, मतलब इसने लेफ्ट का राइट कर दिया है और राइट का क्या कर दिया है, लेफ्ट कर दिया है। इससे बाद मुझे एक बात पता चलती है, अगर हमारे यहाँ क्रियाधार अभिकारक पदार्थ अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म वाला लिया गया है तो बेटा उस डेक्स्ट्रो फॉर्म वाले कंपाउंड को ये कौन से फॉर्म बदल लेगा, लिवो फॉर्म में। और जस्ट अपोजिट साइड पर अगर मैं देखता हूँ, अगर हमारे यहाँ क्रियाधार सब्सट्रेट या अभिकारक पदार्थ या अभिकर्मक पदार्थ कौन से फॉर्म का लिया गया है, लीवो फॉर्म का, तो डेक्स्ट्रो और डेक्स्ट्रो का लीवो में चेंज कर देगा। तो मैं क्या सोचता हूँ, इस बात को भी यही लिख लेते हैं कि ऐसी दशा में, तो इस बात को लिखेंगे देखो क्या, SN2 अभिक्रिया में यदि क्रियाधार, बेटा क्रियाधार जानते हो ना, इस एल्किल हैलाइड को क्रियाधार बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रमण। SN2 अभिक्रिया में यदि क्रियाधार एल फॉर्म का है तो
अभिक्रिया के पश्चात, तो अभिक्रिया के पश्चात पश्चात वह डीफॉर्म में बदल जाता है। और यार एक नंबर तो ये भी लिखना पड़ेगा ना कि अगर डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म का हुआ तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अगर डेक्स्ट्रो का हुआ तो वो काहे में चेंज हो जाएगा, लीवो फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, क्या इसका विपरीत, इसका विकृत विपरीत प्रक्रम भी संभव है, प्रक्रम इसका विपरीत प्रक्रम भी संभव है। बेटा एक काम कर देते हैं, इसमें से एक और बात लिख लेते हैं। क्या बात लिखेंगे? अच्छा इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बात को एल्म फॉर्म वाले कंपाउंड को डी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और डी फॉर्म वाले कंपाउंड को एल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, अर्थात उसके फॉर्म को पूरी तरीके से क्या कर देना, चेंज कर देना, अपोजिट कर देना, कहलाता है वाल्डन प्रतिलोमन। फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी कंपाउंड की अगर वो डी फॉर्म में है तो काहे में चेंज कर देगा, एल फॉर्म में एस एन टू रिएक्शन, अगर कोई कंपाउंड एल फॉर्म है तो उसको काहे में चेंज कर देगा डी में, और डी वाले को काहे में चेंज कर देगा एल में, क्योंकि ये जस्ट उसके फॉर्म को चेंज कर देता है, विपरीत कर देता है, प्रतिलोम कर देता है। इस प्रक्रम को कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। तो मैं इसको लिखता भी हूं, यौगिक के रूप को चेंज कर देना ना, यौगिक के रूप को परिवर्तित कर देना, रूप को परिवर्तित कर देना वाल्डन प्रतिलोमन। वाल्डन प्रतिलोमन कहलाता है। वाल्डन प्रतिलोमन कहलाता है। तो बेटा इतनी बातें होंगे SN1 रिएक्शन से, SN2 रिएक्शन से रिलेटेड। अब SN2 रिएक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमारे हमें कुछ प्रकार के एल्किल हैलाइड दे दिए जाएं तो उन एल्किल हैलाइड में से SN2 रिएक्शन सबसे तेज, सबसे अच्छी मात्रा में किस एल्किल हैलाइड पे होती है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ एल्किल हैलाइड लिखे लेता हूँ पहले से। देखो मैंने कौन कौन से एल्किल हैलाइड लिख रखे हैं। सबसे पहले मैंने CH3 ग्रुप को लिख रखा है, हैलाइड नहीं लिखते हैं अभी, केवल एल्किल ग्रुप को लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए। दूसरा अगर कहेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इसको ले रखा है। अगला मैं देखता हूं तो मेरे पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। और बेटा मैं लास्ट में लिखता हूं एक और ग्रुप, CH3 सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से बेटे मैंने इतने ग्रुप ले रखे हैं। अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको मेथिल ग्रुप कहते हैं, इसको प्राथमिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं या प्राथमिक एल्किल समूह, इसको द्वितीयक और इसको तृतीयक एल्किल समूह बोलते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं मेथिल कार्बोकेटायन, इसको प्राथमिक कार्बोकेटायन, ये द्वितीयक कार्बोकेटायन है और ये तृतीयक कार्बोकेटायन है। अच्छा तृतीयक कार्बोकेटायन द्वितीयक कार्बोकेटायन नाम क्यों पड़ते हैं, देखो ध्यान देते हैं, केटायन इसलिए, इसको कार्बोकेटायन इसलिए बोलते हैं, कार्बो का मतलब कार्बन और केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और तृतीयक क्यों बोला कि जरा ध्यान दो, इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इस पर अन्य कितने कार्बनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीन,
तो ये हो गया तृतीय कार्बोकेटायन। इसमें से जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था ये कार्बोकेटायन, पर अन्य कितने कार्बन कनेक्ट हैं? दो, द्वितीय कार्बोकेटायन। अब मैं समझता हूं कि आप समझ गए प्राथमिक कार्बोकेटायन का अर्थ क्या है, और इस ग्रुप को बोलते हैं मेथिल कार्बोकेटायन। अब बात हम इस बात पर करेंगे कि सबसे ज्यादा जो ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन है वो सबसे अच्छी तरह से कहां हो सकती है, इन सभी कंपाउंड में सबसे अच्छा उत्पाद कौन सा पदार्थ देगा। ध्यान रखते हैं पहले हम अपने मन से कुछ काम किए देते हैं, सबसे अच्छा कंपाउंड या प्रोडक्ट देता है मेथिल ग्रुप, उससे थोड़ा सा कम अच्छा दे पाता है प्राथमिक कार्बोकेटायन, उससे भी कम अच्छा दे पाता है द्वितीय कार्बोकेटायन, और इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा बेकार अगर देखा जाए तो वो तृतीय कार्बोकेटायन है। और इस पर भी बात होगी, आखिर तृतीय कार्बोकेटायन में ऐसी कौन सी बीमारी है ये सबसे बेकार है SN2 रिएक्शन के लिए, और इसमें कौन सी अच्छाई है जो ये सबसे अच्छा है कार्बोकेटायन रिएक्शन के लिए। ध्यान से देखना है, समझ में आ जाए तो भैया सब सारी टेंशन यहीं से खत्म है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका ऑर्डर बताओ कि प्राथमिक द्वितीय और तृतीय कार्बोकेटायन में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो SN2 रिएक्शन को सबसे अच्छा करवाता है। वैसे तो रटने की बात है तो आप इसको देख के समझ गए कौन सा अच्छा है। अब हम करेंगे क्या, कंपेयर करने के लिए हम पहले और लास्ट वाले को लेने वाले। अच्छा, पहले वाले लास्ट वाले को लेंगे, अगर ध्यान से देखना है पहले वाले को लेते हैं। कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है बेटा? तीन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियो, ये एक्स के साथ कनेक्ट होगा और जो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, एक्स पर माइनस चार्ज भी तो होगा, क्या न्यूक्लियोफाइल आगे से यहाँ अटैक कर पाएगा? नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से। और उसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए देखो ये जगहें मिलेंगी, ये गैप मिलेगा, देख पा रहे हो? इस गैप को देख लेना, इधर इस गैप को देख लेना। अब मुझे लास्ट वाला लिखने दो, उस पर भी गैप को देखना है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलोजन एलिमेंट की तरफ से अटैक करने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ उसका सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल पर निगेटिव चार्ज है तो हैलोजन एटम पर भी तो निगेटिव चार्ज है, वो इसको रिपल कर देगा, भगा देगा दूर। लास्ट वाले को देखते हैं बेटा, इसको जरा से ध्यान से देखना, सी पॉजिटिव चार्ज है और ये एक्स के साथ जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल साथ में लिख लिया जाए। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, इसमें तीन सी लगे हुए हैं, दूसरा और तीसरा, इस सी पर कितने हाइड्रोजन है? तीन, एक दो तीन, इस सी पर भी तो तीन हाइड्रोजन है, पहला दूसरा तीसरा, इस सी पर भी तीन हाइड्रोजन, पहला दूसरा तीसरा। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर इसमें से मैं आपसे पूछूं बेटा न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से अटैक करेगा, क्या अटैक करने के लिए इसे सही ढंग से ज़्यादा जगह मिल पा रही है? नहीं, क्योंकि इसे अटैक करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल पा रही है, अर्थात न्यूक्लियोफाइल को उस कंपाउंड में अटैक करने के लिए ज़्यादा परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अच्छी परिस्थितियाँ नहीं बन रही हैं बेटा। हम ये समझते हैं कि तृतीय कार्बोकेटायन जो होता है इनमें से SN2 रिएक्शन जो है उसका स्पीड या उसकी प्राप्ति जो है वो बिल्कुल ही सबसे कम है। तो ध्यान रखोगे इस बात को कि प्रतिबाधा के कारण कार्बन परमाणुओं और हाइड्रोजन परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था के कारण आपने इस बात को देखा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो तृतीय कार्बोकेटायन पर अटैक करने में समर्थ नहीं है। तो इस बात को हम लिखेंगे कि प्रतिबाधा इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, प्रतिबाधा जितनी भी ज़्यादा होगी कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही कठिन हो जाएगा। तो इस बात को हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रतिबाधा न्यूक्लियोफाइल का क्रियाधार पर आक्रमण की स्थिति को कमजोर कर देता है, क्रियाधार पर आक्रमण की स्थिति को कमजोर कर देता है, स्थिति को कमजोर
कर देता है। और थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहे ना तो इस प्रतिबाधा को देखो और अच्छे ढंग से लिख लेना। प्रतिबाधा को देखो कैसे लिख सकते हैं, मैं इसी के ऊपर लिख देता हूं। त्रिविम प्रतिबाधा यह ज्यादा बेटर है। त्रिविम प्रतिबाधा न्यूक्लियोफाइल के का क्रियाधार पर आक्रमण की स्थिति को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है।